पूरे देश में लोग मानते हैं कि साइंस मैथ के जो स्टूडेंट सबसे तेज होते हैं वो बिहार से होते हैं। बिहार के लोग यूपीएससी और आईएएस निकाल रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिहार में आपको साइंस पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिल रहा। तो बिहार में इतने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इतना कॉलेज में अरबों रुपए खर्च हो रहा है, आप उसको बंद क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी स्टेटमेंट कल जारी करके इसका विरोध किया है, और हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि हर हाल में आप इसको वापस लीजिए। पूरा नियमावली में विसंगतियां ही विसंगतियां होती जा रही है। आप 80-20 के रेशियो में ओपन करते, आप 90-90 और 10 के रेशियो में ओपन करते, आपने सारे सीट्स को ओपन कर दिया। कि आपने चूंकि बजट में फंड एलोकेट नहीं किया है इसलिए आप बहाली निकाल भी रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से उसको मैनिपुलेट करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश। नियत क्या है, नौकरी देना है या फिर लटका के रखना है? हम नहीं कह सकते नियत क्या है। देखिए इसमें 8 कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने हमको तो लग रहा है कि ये जो नियोजित शिक्षकों की बहाली क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे हो रहा है वो सिर्फ स्टंटबाजी और कुछ नहीं। आप बीमारी पकड़ रहे हैं, आधा अधूरा पकड़ रहे हैं और इलाज कहीं और कर रहे हैं। पेट में दर्द है, शरीर डोन खिला दे रहे हैं, माथे दर्द का इलाज यही हो रहा है। सरकार को लड़ना चाहिए था भाजपा से, एनडीए से, ये नहीं कि सरकार लड़ने लगे शिक्षकों से, सरकार लड़ने लगे अभ्यर्थियों से, ये नहीं होना चाहिए। आप अपना फोकस तय कीजिए और यहाँ के शिक्षक, यहाँ के अभ्यर्थी आपके लिए स्ट्रेंथ बनेंगे, वो आपकी ताकत बनेंगे। परीक्षा से आप नहीं जज कर सकते हैं, परीक्षा से आप क्वालिटी में सुधार नहीं कर देंगे। हाँ, परीक्षा से आप सुधार तब करते जब आप ये बात एस्टेब्लिश कर देते कि परीक्षा में जो लोग फेल करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। ये तो आप कर नहीं रहे हैं। जो आपकी जो जाँच प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाइए, उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। यहाँ तो होता है कि जो भी विद्यालय में कोई कंप्लेन हुआ, कोई बाहर से अधिकारी गया, कंप्लेन देखा सही है, पैसा लेके वापस आ गया, काम खत्म, क्लासरूम में बैठ के कुत्ता सो रहा है। ये सब चीज आपको दुरुस्त करना है, वहां से क्वालिटी एजुकेशन ठीक है। तो हमें यही लगता है कि शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसमें अगर सुधार करना है तो वो रेडिकल सुधार होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। शिक्षकों का बीपीएससी एग्जाम ले लेंगे तो वो पॉलिश है, पॉलिश मारने से वो ठीक नहीं होगा क्योंकि जड़ में दिक्कत है। तो वहां जाए सरकार, सरकार को चाहिए कि भाई अगर सच में आपको बिहार की एजुकेशन व्यवस्था की चिंता है और क्वालिटी एजुकेशन आप इंश्योर कराना चाहते हैं, आप बिहार विधानसभा के भीतर से, विधानमंडल के भीतर से आप एक कमेटी बना लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली में एक महत्वपूर्ण संशोधन परसों किया गया, कैबिनेट के द्वारा किया गया। अब जो है बिहार से बाहर के कैंडिडेट बिहार में होने वाले 1,70,000 से अधिक शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर छात्रों में आक्रोश तो है ही, विभिन्न राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप सौरभ, पालीगंज के विधायक हैं, CPIML से आते हैं, और आपको बता दें कि इन्होंने जो नई शिक्षक नियमावली आई है शुरू से उसके कई बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन उठाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले भी और शिक्षकों की तरफ से सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। इनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सरकार कहा जाए तो आपकी ही सरकार है और लगातार सेल्फ गोल करते ही जा रही है। देखिए, हम लोगों ने बहुत शुरुआत में जब ये नियमावली बनना था उस समय मैंने ही विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था कि बिहार में शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और उस संबंध में मेरी बात भी हुई, अपर मुख्य सचिव से बात हुई, शिक्षा विभाग में अन्य अधिकारियों से बात हुई, तो उसके बाद ये इंश्योर हुआ। मैंने लिखित में दिया और पूरे तर्क के साथ मैंने दिया था कि डोमिसाइल क्यों लागू होना चाहिए बिहार में, क्योंकि 6ठे चरण तक तो डोमिसाइल नहीं था। 7वें चरण में उस समय अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि ठीक है, हम इसको लागू करवाने की बात करते हैं, तो लागू हुआ, उसको विज्ञापन नियमावली में डाला गया। अब अचानक से परसों जो हुआ, बगैर कोई लॉजिक के, बगैर कोई तर्क के, कोई बगैर डेटा के, डेटा भी सरकार ने नहीं दिया है, आपने उसको हटा दिया। हमें ये लग रहा है कि ये जो नियमावली आई है, नियमावली आने के बाद फॉर्म भराने तक ये जो 8 बार संशोधन आपने कर दिया है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि नियमावली बनाते वक्त आप ओवरऑल चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आनन फानन में चीज़ें की जा रही हैं। तो हम लोग तो इसका बहुत मुखर विरोध करते हैं कि आपने डोमिसाइल हटाया, क्योंकि बिहार में युवाओं के पास रोजगार के और दूसरे माध्यम नहीं है, बाकी राज्यों में हैं,
वहाँ कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, बिहार में ये सब नहीं है। तो बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनका जॉब इंश्योर कैसे होगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा जब सरकार ये सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार नहीं थी और हम लोग विपक्ष में थे। तब पूरे विपक्ष ने एक साथ कहा था, पूरे महागठबंधन ने एक साथ कहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल लागू करेंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके बयान, इनका बयान है, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल बयान है। लेकिन अब जब सरकार में हम लोग आ गए हैं तो जनता की तो अपेक्षा बड़ी है हमसे कि आपने जो वायदा किया था वो कीजिए। तो जो पहले से डोमिसाइल था उसको आखिर किस तर्क से हटा दिया गया, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब कल मैं देख रहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान कि वो कह रहे थे कि भाई साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स बिहार में नहीं है, पर प्रश्न उठा दिए। हाँ, मतलब पूरे देश में लोग मानते हैं कि साइंस मैथ के जो स्टूडेंट सबसे तेज होते हैं वो बिहार से होते हैं, बिहार के लोग यूपीएससी और आईएएस निकाल रहे हैं, आईआईटी निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिहार में आपको साइंस पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि बिहार में आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिल रहा है। तो बिहार में इतने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इतना कॉलेज में अरबों रुपये खर्च हो रहा है, आप उसको बंद क्यों नहीं करवा दे रहे हैं, आपको कैसे नहीं मिल रहा है? और नहीं मिल रहा है तो इसका कोई रास्ता होता ना, इसका कोई रास्ता आप निकालते, आप ये कहते कि चलिए भाई हम पहले बहाली ले रहे हैं और अगर योग्य अभ्यर्थी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा हम दोबारा से कोई रास्ता निकालेंगे, तब उसको ओपन करेंगे कुछ सीट को। आप 80-20 के रेशियो में ओपन करते, आप 90-10 के रेशियो में ओपन करते, आपने सारे सीट्स को ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओपन किया तो आप देख लीजिए कि पिछले बार तक का जो रिकॉर्ड है छठे चरण तक का, कि बिहार में शिक्षक की बहाली में अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को कहीं दूसरे स्टेट में नौकरी मिले इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब सारे राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी चलेगी और बिहार में वो पॉलिसी नहीं होगी तो बिहार के बच्चे कहीं और अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब जगह के बच्चे बिहार अप्लाई कर लेंगे। तो ये गलत है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी स्टेटमेंट कल जारी करके इसका विरोध किया है और हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि हर हाल में आप इसको वापस लीजिए। पूरा नियमावली में विसंगतियां ही विसंगतियां होती जा रही है। हम लोग एकदम शुरुआत से कह रहे हैं कि जब सरकार ने ये कहा है कि भाई हम बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसमें सबसे बड़ा माध्यम जो है वो शिक्षा बहाली होगी, शिक्षकों की बहाली होगी, सबसे बड़ा दायरा उसका होगा, अब उसी में आप कह रहे हैं कि 1,70,000 बहाली है, इसमें नए अभ्यर्थी जो हैं वो अप्लाई करें और पुराने जो 4 लाख शिक्षक हैं नियोजित वो भी इसी पर अप्लाई करें, तो ये रोजगार कैसे कहलाएगा, ये रोजगार कैसे कहलाएगा? आपको याद होगा विधानसभा में हम लोग की ही सरकार थी, महागठबंधन की ही सरकार थी, पिछले बार जब बजट लाया गया था तो मैंने एक पॉइंट रेज किया था, मैंने कहा था कि ये जो बजट है इस बजट में चूंकि आप सैलरी के ऊपर फंड एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, मात्र 4% आपने इजाफा किया है, तो इस 4% में आप रोजगार कैसे देंगे? अब वही दिख रहा है हम लोग को कि आपने चूंकि बजट में फंड एलोकेट नहीं किया है इसलिए आप बहाली निकाल भी रहे हैं तो अलग अलग तरीके से उसको मैनिपुलेट करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। नियत क्या है, नौकरी देना है या फिर लटका के रखना है? हम नहीं कह सकते नियत क्या है। देखिए इसमें 8 कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और अगर एक बार भी कोई कोर्ट से आदेश हो गया, किसी एक केस में हो गया कि बहाली को रोक दिया जाए, तो बिहार के तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो साफ साफ नियत से सरकार को इस बहाली को पूरा करने के लिए एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके विचार करना चाहिए और बिहार के युवाओं का हित ऊपर रख करके विचार करना चाहिए। संदीप जी, कहा जा रहा है कि पैसा तो है ही नहीं बिहार सरकार के पास, वादा कर दिए हैं तो एक ललचाने के लिए वैकेंसी दिया गया है, सैलरी कहाँ से देंगे? और अभी बता रहे हैं कि 4% सैलरी के मद में रखा गया है बजट में। वो तो सब लोग बजट देख रहे हैं कि कितना परसेंट आपने सैलरी को लेकर के कितना इंक्रीमेंट उसमें किया है, वो मात्र 4% ही है। और जितने लोग विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के, अर्थशास्त्र के, वो लोग जानते हैं कि भाई अगर आप 5 लाख भी नौकरी देते हैं तो आपको एटलीस्ट 10-12% का इजाफा सैलरी वाले मद में करना था, वो आपने नहीं किया। अब आप
एक ही सीट पर पुराने शिक्षकों को भी ला रहे हैं, नए अभ्यर्थियों को भी ला रहे हैं। अब पुराने शिक्षक अगर उस पर कॉम्पिटिशन में पास हो जाएंगे तो वो उनका तो पद जो अभी है वो खाली रह जाएगा ना, वो अगर इस पद पर भर जाएंगे तो वो खाली रह जाएगा पद। तो वो जो संकट बिहार के अंदर था कि 3.25 लाख के आसपास शिक्षकों के पद खाली थे, वो पद कैसे भरे जाएंगे? तो फिर लाखों करोड़ों जो बिहार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बगैर शिक्षकों के पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? और फिर आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन की चिंता वही तो कहा जा रहा है। जो नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेने की बात हो रही है उसमें यही तर्क है कि वो लोग पढ़ाते नहीं हैं तो हम क्वालिटी एजुकेशन कर देंगे। कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन कर देंगे आप? उनकी परीक्षा आप ले लेंगे, वो फेल करेंगे तब भी वो इसी स्कूल में पढ़ाते रहेंगे, तो क्वालिटी क्या सुधर जाएगा? तो लॉजिक से काम नहीं करना है। बस ऐसे ही माने हमको तो लग रहा है कि ये जो नियोजित शिक्षकों की बहाली क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे हो रहा है वो सिर्फ स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। आप बीमारी पकड़ रहे हैं, आधा अधूरा पकड़ रहे हैं और इलाज कहीं और कर रहे हैं। पेट में दर्द है, सेरिडॉन खिला दे रहे हैं माथे दर्द का इलाज, यही हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में सरकार बातों को सुने। सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर हमने बात की है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तक भी मैंने अपनी बात कम्युनिकेट की है, उनको उन तक पहुंचाया है, अपना कंसर्न पहुंचाया है। महागठबंधन की बैठक में भी भाकपा माले की तरफ से मजबूती के साथ इस सवाल को उठाया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। 11 तारीख से शिक्षक आंदोलन की बात कर रहे हैं, विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, आप समर्थन देते हैं? देखिए, हम लोगों ने भी एक शिक्षक संगठनों का एक मोर्चा बनाया हुआ है, वहाँ भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, वहाँ भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि निश्चित तौर से विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग आंदोलन करेंगे। परमिशन की कोशिश हुई, अब परमिशन आंदोलन के लिए परमिशन देने में भी आनाकानी सरकार के लोग कर रहे हैं, तो वो जैसे ही मिलता है तो निश्चित तौर से हम लोग 11 में भी रहेंगे और उसके बाद भी आंदोलन अगर चलेगा तो हम लोग रहेंगे, आंदोलन में तो रहना ही ना है। सरकार को शुरुआती तौर पर क्या करना चाहिए जिससे जो है ये मामला जो है थोड़ा सॉर्ट आउट हो? देखिए, अगर ये महागठबंधन की सरकार बनी है और इसका मुख्य फोकस अगर देश में सांप्रदायिक फासीवादी ताकत को परास्त करना है तो पूरा फोकस होना चाहिए था भाजपा को हराने के लिए रणनीति बनाने का। सरकार को लड़ना चाहिए था भाजपा से, एनडीए से, ये नहीं कि सरकार लड़ने लगे शिक्षकों से, सरकार लड़ने लगे अभ्यर्थियों से, ये नहीं होना चाहिए। आप अपना फोकस तय कीजिए और यहाँ के शिक्षक, यहाँ के अभ्यर्थी आपके लिए स्ट्रेंथ बनेंगे, वो आपकी ताकत बनेंगे। लेकिन आप जैसे ही अपना तीर घुमा देंगे शिक्षकों की तरफ, आप सिर्फ परीक्षा नहीं ले रहे हैं बल्कि एक सर्कुलर निकाल करके ये कह दिया गया है कि स्कूल का जो चपरासी है, जो प्यून है, वहाँ जो और जो कर्मचारी होंगे पंचायत के, वो सब शिक्षकों पर निगरानी करते रहेंगे। मतलब आप पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमी कमजोरी है उसमें अपनी ऐतिहासिक भूमिका को, ऐतिहासिक जिम्मेदारी को छिपाने के लिए सारा जो ठिकरा है वो शिक्षकों के माथे पर फोड़ रहे हैं, सब चीज़ के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि शिक्षकों की कमी है तो शिक्षक के चलते शिक्षकों की कमी नहीं है, स्कूल में अगर टीचर्स नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी थी, स्कूल में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार की जिम्मेदारी थी। आपका स्कूलों में पढ़ाई कब शुरू हो रही है, उनको टेक्स्ट बुक कब मिल रहा है 6 महीने बाद, किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, शिक्षकों की जहाँ पे कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, केरला में, दिल्ली में क्या मॉडल चल रहा है, वहाँ शिक्षकों का एक बार अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, उसके बाद रिगरस ट्रेनिंग। परीक्षा से आप नहीं जज कर सकते हैं, परीक्षा से आप क्वालिटी में सुधार नहीं कर देंगे। हाँ, परीक्षा से आप सुधार तब करते जब आप ये बात एस्टेब्लिश कर देते कि परीक्षा में जो लोग फेल करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, ये तो आप कर नहीं रहे हैं। आप परीक्षा दे दीजिए और घर चले जाइए, उसी तरीके से पढ़ाते रहिए और बदले में मेरा क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा, नहीं, आप ट्रेनिंग दीजिए 6-6 महीना पे, अनिवार्य कर दीजिए उस ट्रेनिंग को। आप शिक्षकों में जो बेहतर पढ़ाएंगे उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको बाहर भेजिए ट्रेनिंग के लिए, और आप जो आपकी जो जाँच प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाइए, उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए। यहाँ तो होता है कि जो भी विद्यालय में कोई कंप्लेन हुआ, कोई बाहर से अधिकारी गया, कंप्लेन देखा सही है, पैसा लेके वापस आ गया, काम खत्म, ये होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप ठीक कीजिए। स्कूलों में बेंच कुर्सी नहीं रहेगा, टेबल नहीं रहेगा, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं रहेगा, शौचालय नहीं रहेगा, तो क्या होगा वहाँ पे?
भवन नहीं होगा तो क्या होगा? भवन में के अंदर गाय भैंस घुसा हुआ है, स्कूल के बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम में बैठ के कुत्ता सो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको दुरुस्त करना है, वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन ठीक होगा। तो हमें यही लगता है कि शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उसमें अगर सुधार करना है तो वो रेडिकल सुधार होना चाहिए, नीचे से होना चाहिए। ऊपर से कुछ लिपा पोती कुछ पॉलिश मार देने से शिक्षकों का बीपीएससी एग्जाम ले लेंगे तो वो पॉलिश है, पॉलिश मारने से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जड़ में दिक्कत है। तो वहाँ जाए सरकार, सरकार को चाहिए कि भाई अगर सच में आपको बिहार की एजुकेशन व्यवस्था की चिंता है और क्वालिटी एजुकेशन आप इंश्योर कराना चाहते हैं, आप बिहार विधानसभा के भीतर से, विधानमंडल के भीतर से आप एक कमेटी बना लीजिए, कुछ आईएएस पर मत छोड़ दीजिए, जो शिक्षा विभाग में एसी कमरे में बैठ करके कुछ नियम बना देंगे, इसको प्रिंट आउट करके चिपका दो सब जगह, हो गया। आप एक नियम बनाने के लिए आप एक पहले टीम बना दीजिए विधानसभा के अंदर, जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा अनुभव किसी अधिकारी का नहीं हो सकता है। ये हम लोग अब समझते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि है वो कई एंगल से बातों को समझ सकता है, क्योंकि कई तरह की समस्या हम लोग देखे हुए हैं। तो आप जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, विधानमंडल के सदस्यों की एक टीम बनाइए, कमेटी बना दीजिए, वो ढंग से निगरानी करेगा कि भाई शिक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव होगा। हमने तो इस बात को अपने तरीके से सदन में रखा भी था, कैसे बदलाव हो सकता है। बिहार के सारे स्कूलों को आप अपग्रेड कर दीजिए, जैसे बिहार में केंद्रीय विद्यालय है कभी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बिहार में नवोदय विद्यालय कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों भी तो सरकार चला रही है। तो सरकार जब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय चला सकती है बढ़िया से, तो सरकार बाकी गांव के जो स्कूल हैं उसको अच्छा से क्यों नहीं चला सकती है? क्योंकि उसके बनिस्पत इसका जो प्राथमिकता है वो माइनस में है। तो इनको अपग्रेड अगर आप कर देंगे, एक साल कुछ सड़क कम ही बनेगा, पुल पुलिया कुछ कम ही बनेगा, लेकिन फंड आप लगा देंगे अगर शिक्षा में, उसके बाद सालों साल चलता रहेगा। तो यहाँ तक सोचना पड़ेगा। जी ठीक है, तो ये संदीप सरफ थे और इन्होंने बताया कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि जो विरोध है शिक्षकों का, छात्रों का, वो जायज़ है। डोमिसाइल नीति नहीं लाना चाहिए था सरकार को, डोमिसाइल नीति में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए था, जबकि सरकार ने ऐसा किया कि सभी राज्यों के लिए बिहार का दरवाज़ा खोल दिया। तो देखिए आगे क्या होता है। और भाकपा माले का कहना है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।